पहले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में। नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7004975883 पर। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया, मैं हूं राजेश पांडे। ये जगह इटवा धाम है और ये सिवान गोपालगंज रास्ते पे एक इटवा पुल पड़ता है, यहीं के बगल में ये इटवा धाम है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ एक वैष्णव संत आए थे और उन्होंने इस जगह को स्थापित किया और वो वैष्णव संत से सीताराम का जाप किया करते थे। तो आइए उनकी कुटी में हम चलते हैं अंदर और देखते हैं कि यहाँ पर हमेशा जो यज्ञ होता है इसका क्या प्रयोजन है और इसके बारे में पूरी जानकारी हम यहाँ के संतों से लेते हैं। जैसा कि आप ये पीछे देख रहे हैं, ये इटवा वाले बाबा की समाधि है और यहाँ पे बड़ा लोगों का आस्था है और ऐसा माना जाता है कि 1977 में उन्होंने अपना शरीर त्यागा था और तब से यहाँ पर रोज हर कीर्तन वगैरह होता रहता है। और जैसा कि मैंने बताया, ये वैष्णव संत थे, सीताराम का जाप किया करते थे और ये उनकी समाधि स्थल है और आप फोटो में भी उनको उनका देख सकते हैं। यहाँ उनकी एक मूर्ति भी लगाई गई है जो यहाँ एक मूर्ति भी लगाई गई है और आप बगल में देख रहे हैं दहा नदी है। यही दहा नदी है जो आगे बढ़ते हुए सिवान जिला को क्रॉस करते हुए और सरयू नदी में मिल जाती है और यहाँ पे एक बाबा की मूर्ति है और यहाँ पे हमेशा भजन कीर्तन चलता रहता है। इस बारे में और हम जानकारी लेंगे यहाँ के साधु संत से और क्या है, क्या महत्व है, क्यों इस तरह का ये रमणीक स्थान है। यहाँ पे एक बाबा का छोटा सा गौशाला भी है। मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा गौशाला दिखाया जाए। जो ये कहा जाता है कि हम लोग के सनातन धर्म में गाय का जो सेवा है वो सबसे महत्वपूर्ण है, तो इसमें गाय का भी सेवा करने का प्रावधान है और यहाँ पर गाय का गौशाला भी है। देख रहे हैं पीछे बाबा की मूर्ति है और इसके ठीक पीछे जो दहा नदी है और ऐसा बताया जाता है कि देवरावा बाबा के बाद अब आपका यहाँ स्थान होता था और यहाँ पर बस एक पकड़ी का पेड़ हुआ करता था और एक बाबा था। धीरे धीरे बाबा का यहाँ आश्रम बना और धीरे धीरे करते करते लोगों की श्रद्धा भक्ति बढ़ती गई और लोग यहाँ पर आते जाते हैं। विशेषकर रविवार के दिन यहाँ अच्छा खासा यहाँ लोग आते हैं और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हलचल होती है और सारे लोग यहाँ आते हैं। भारत मूलतः सभ्यता संस्कृति और वाला देश है, यहीं ऐसे साधु संत जो हैं इनसे ये पूरे देश का निर्माण हुआ है और ये देश आगे बढ़ते रहता है। यहाँ पर कुछ बुजुर्ग बंधु लोग हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि बाबा बताओ जाओ बाबा के महिमा के बारे में का पूछे के बा। ऐसा संत अगर हो जाए दो चार जिला में तो जिला धन धन हो जाए। है रिघाला बाबा, चाहे देवराहवा बाबा, चाहे यहाँ के ये सब पूछा ही के नहीं, चाहे भूतनाथ बाबा आए धन हमनी के भाग बाबा आ कि ऐसा संत यहाँ आई नहीं आ हमनी के धन धन हो गए नहीं जा। वहाँ के बात सुन के प्रवचन सुन के है जाना के करते आदमी आवेला। आई जरूर विश्वास बा हमनी के दिल में कि जौन तमन्ना बा यहाँ के आशीर्वाद से सब कर पूरा हो। समाज में समरसता, समाज में समरसता होने के लिए ऐसे बाबा संतों की आवश्यकता है। जी कहे का मतलब है कि आगे आने वाली पीढ़ी के। जी जी कहे का मतलब है कि जे पहले के कुछ संस्कार कैले बा वे जी आवेला आवेला वे आ जेकर पूर्व जन्म के संस्कार बा आ बढ़िया बढ़िया बात है जी सुन के जाला आ वही पर अपना बाल बच्चा के शिक्षा देला कि बबुआ है करे के चाहिए, है खराब बा, है नीमन बा, तो जे भी आवेला महाराज की कृपा से सब पूरा होला। यहाँ पर कोई विशेष दिन मेला वगैरह या कुछ है? हर आतवार के ऐसे 1970 से हम आई ले आ हर आतवार के यहाँ करीब करीब 1500 लोग आवेला आ सत्संग प्रवचन भजन कीर्तन होला, सब लोग सुनेला आ सुन के जाला ओकरा के अपना अपना घरे जाके यूज करेला। हमारे साथ एक बुजुर्ग बंधु हैं, आपका नाम सूरज है और आप पिपरा के रहने वाले हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि यहाँ पे जो लोगों का आना जाना होता है, आखिर बाबा में ऐसा कौन सा चमत्कार है
कौन सा ऐसा आकर्षण शक्ति है जिससे कि बाबा के यहाँ लोग इस तरह से आते हैं, बताया गया? मैंने बाबा के, मैंने ये बताया बताइए, बाबा के जो अयला के बाद ही सब कुछ बढ़ल। अच्छा, लोग आवेला हर एतवार के भजन कीर्तन गावेला। अच्छा, जैसे चुमक लोहा को टानता है, उसी तरह बाबा की बैराग और सत्य भावना इंसान को टानता है। बाबा के तो चमत्कार ही है, काकभूषिंडी है बाबा, तपोभूमि बना दिए यहाँ। अच्छा, तो नई पीढ़ी से मतलब बाबा के वचनों से, प्रवचन से लाभान्वित हो, इसके लिए मतलब क्या कुछ आप लोग के द्वारा? देखिए, यहाँ की जनता जो है सो बाबा की भगवान के रूप में मानता है। हाँ, एकदम भगवान के रूप में मानता है। अब इससे क्या कहा जाए, अब इसके आगे क्या उदाहरण दिया जाए? यहाँ की जितने जनता है सब भगवान के रूप में बाबा को जानता है। मर्द औरत सारे बच्चे बच्ची सब लोग जो है, हाँ हाँ, जो आते हैं वो भगवान के रूप में मानते हैं। इसका देख रेख प्रबंधन कौन करता है? ये सब यहाँ की जनता करता है, सब इसी तरह से चलता। हाँ हाँ, उनकी कृपा है। रोज 300-400 मूर्ति यहाँ भोजन करता है, 60-70 गाइया है। पता नहीं कि कहाँ की व्यवस्था होता है, किसी को पता नहीं कि कहाँ से सब आ जाता है, किसी को पता नहीं। आ एक टाइम चूल्हा उपास नहीं होता, अब क्या कहा जाए। इसी तरह चल, अनंत लीला है बाबा का, अनंत लीला। आपने देखा कि यहाँ के कई लोगों ने बड़े विस्तार से बताया कि बाबा की अनंत लीला है। इटवा धाम से ठीक सामने एक राम जानकी का और शिव जी का मंदिर है, जो देखने में काफ़ी भव्य है, ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता है, ऐसा यहाँ के पूरे ग्रामीण जनों का कहा है कि इटवा वाले बाबा ने ही इस मंदिर की स्थापना की थी और धीरे धीरे करके इसे बड़ा भव्य बनाया गया। बड़ी आस्था है यहाँ पर, यहाँ की एक पुजारी है जो ऐसा माना जाता है कि बाबा के समय से ही हैं और आप यहाँ के पूरे मंदिर की देखभाल करते हैं। बाबा के बारे में हम उनसे जानना चाहेंगे, बाबा की महिमा के बारे में बताया जाए। किसी से कुछ नहीं, जो बोले हैं ना, जो बोले हैं। आज का जो भौतिक युग है, ये कहीं ना कहीं हमें अध्यात्म से दूर कर रहा है और वो एक भ्रम में पूरे जीवन को रखता है। ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा तब ठीक हो जाएगा, यानी कि जो माया है वो पूरे जीवन भर व्यक्ति को अपने जाल में बनाए रखती है और इससे व्यक्ति कभी निकलता नहीं है और निकल के कभी भी प्रभु के शरण में नहीं आता है, भगवान के शरण में नहीं आता है। तो इसके क्या कारण है, आइए हम जानना चाहते हैं। जो भौतिक जीवन है इससे व्यक्ति अपने आप को निकाल नहीं पाता है, माया के बंधन में जीवन भर जुड़ा रहता है। बेटा है, बेटी है, नाती है, धन है, संपत्ति है, घर द्वार है, खेत बाड़ी है, इससे आखिर क्या क्या इसके उपाय होने चाहिए? राम नाम किया जाए। राम नाम में इसका सत्संग, जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने बताया कि जो राम नाम है वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं यहाँ पर याद दिलाना चाहता हूँ कि आप देखे होंगे 500 साल के बाद राम जी पुनः जहाँ उनका जन्म हुआ था वहाँ पर स्थापित हो गए हैं। इसलिए ऐसा आप क्यों कहते हैं, ऐसा ये समाज क्यों कहता है कि भगवान नहीं है, राम नहीं है? हमारे यहाँ मान्यता है कि वो कणकण में है और आपने उसका देखा कि जो 500 साल पहले उनका जहाँ जन्मभूमि था वहाँ से उन्हें हटा दिया गया था, 500 साल बाद वो पुनः वहाँ पर स्थापित हो गए। तो ऐसा आप क्यों कहते हैं, यानी कि अगर एक कण में एक पत्ता भी अगर इधर से उधर हिलता है तो वो राम के बिना नहीं। इसलिए राम का जो नाम है वो ब्रह्म नाम है, वो ब्रह्म है और इससे कोई भी व्यक्ति हिल नहीं सकता है। और यही कारण है कि ऐसे जगहों पे लोग आके अपने आप को काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं और अच्छा पाते हैं और कहीं ना कहीं उनका मन हल्का होता है, कहीं ना कहीं स्थूल से वो सूक्ष्मता की ओर सूक्ष्म हो जाता है और
उसकी जो अंदर की जो सारी ग्रंथि है वो ग्रंथि कहीं ना कहीं उसके अंदर से ये जाने लगती है और वो जो आडंबर में जीता रहता है उस आडंबर से वो कहीं ना कहीं निकलता है कि हमारे पास ये धन है, हमारे पास ये बंगला है, हमारे पास इतनी मोटर गाड़ी है, लेकिन उससे कहीं ना कहीं ये जगह आपको ये बताता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको भ्रम में जीने की ज़रूरत नहीं है, आप अकेले हैं, अकेले थे, अकेले रहेंगे, अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे, जो जीवन की उपलब्धता है वो यही है और आप दूसरों के लिए जितना कुछ कर सकें वही आपकी जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। तो यहाँ पर ऐसे जगहों पर आके मन बड़ा हल्का होता है और यही कारण है कि ऐसा कहा जाता है कि यहाँ रविवार को मेले जैसा दृश्य होता है, क्या स्त्री क्या पुरुष और सारे लोग आके यहाँ आते हैं, मत्था टेकते हैं और अपने आप को हल्का करते हैं, उनका जो भी दुख तकलीफ होता है वो यहाँ आके दूर होता है। हम सभी भी यहाँ पर आकर बड़ा व्यस्ततम जीवन से अपना समय निकाल के हम सभी यहाँ आते हैं और थोड़ा बहुत ही समय हम अपने गुरुवर, हम अपने भगवान को समर्पित करते हैं ताकि हम सभी का भी जीवन धन्य धान्य हो।